आपकी बात रखी। पूर्व में रहे नेता जिनके भांजा घोटाले में अंदर रहा, उन्होंने घर तो दिए मगर जो सुविधाएं थी वो नहीं दी। आदरणीय सांसद महोदय जी ने संसद में आपकी आवाज उठाई और ये बात कही कि मेरे धनास के लोगों को पानी नहीं मिलता, आप लोगों के लिए पानी लेकर आई आदरणीय सांसद महोदय जी। यहां पर कम्युनिटी सेंटर नहीं था, कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम आदरणीय सांसद महोदय जी ने किया। चार चार ट्यूबवेल लगाए, अनेकों काम युवाओं के लिए 18 से 37 साल उम्र करा दी, अनेकों काम आदरणीय सांसद महोदय जी ने करवाए। 10 रुपए में अन्नपूर्णा अक्षय पात्रा योजना के तहत गरीबों को खाना दिलाने का काम अगर किसी ने किया है तो आपकी सांसद महोदय जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज देश में एक सच्चा नेता है आपके पास। मैं मानता हूं कि वो नेता नहीं, वो राजयोगी है, वो राज ऋषि है। वो गरीब आदमी आज चाय बेचते बेचते राजनीति में आया और सच्ची निष्ठा से देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए सेवा करते करते देश का प्रधानमंत्री बना। कांग्रेस वाले कहते हैं कि अब करेंगे न्याय। मित्रों, 60 साल इन्होंने देश पे राज किया, क्या तब उन्होंने न्याय नहीं किया? ये लोग हमें बांटते आए, चाहे जातियों पे, इन्होंने गरीब रखा हमारे देश को कि ये चुनाव के समय में हमें लालच देकर हमारा वोट खरीद लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इस चुनाव में भी आपके पास आएंगे और ये बोलेंगे, आपको लालच भी देंगे, आप सोच समझकर वोट डालें। इस देश को अगर कोई बचा सकता है और आगे लेकर जा सकता है तो वह केवल और केवल आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर जा सकते हैं। शहर में आपके पास एक ऐसा नेता है